12 बजे तक का समय है तेरे पास। ठीक 12:01 पर वो जो 7 बच्चे हैं वो बेच दिए जाए। तू हमारे बेटे सूरज को आजाद कर दे, हम उन बच्चों को आजाद कर दे। अब जबकि इस हवेली की सारी खुशियां लौट आई तो हम चाहते हैं कि तुम भी इस हवेली में वापस लौटो, शादी कर लो हमसे। सूरज, सूरज कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मी हम वो चकोर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि कोई मुसीबत में है वो। हमारा तो जी बहुत घबरा रहा है, सिर्फ तुम्हें और चकोर ने शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया, ये अच्छा शगुन नहीं है। हमें तो डर लग रहा है कहीं पहले जैसा तुम दोनों के बीच न हो जाए। तुम एक काम करो ना, चल के शिव जी पर जल चढ़। पर ये रस्म तो हमें चकोर के साथ पूरी करनी थी ना। चढ़ाना तो था बेटा, लेकिन तुम दिल से चकोर को अपनी पत्नी मान चुके हो ना, तो तुम अपनी तरफ से भी चढ़ा सकते हो। चलो भोले बाबा की कृपा रही ना कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। चलो जल चढ़ा दो। लड़की की सगाई का दिन उनकी जिंदगी में रोज रोज नहीं आवत है, और वो लड़की अपनी सगाई छोड़ के चली गई, ये बात हमरी समझ में नहीं आवत। जब बड़े मालिक हमारे बच्चन का दिल्ली भेजे थे तो हम सब बहुत खुश थे, पर चकुरिया खुश नहीं थी। वो बार बार पूछत रही कि बच्चे लोग कैसे हैं, कोनो खबर आई कि नहीं। माई बाप से ज्यादा चिंता तो उको थी, कोनो ना कोनो बात तो जरूर है। वो माई सोच रहे कि हम कल सवेरे ही जाके बच्चों को दिल्ली में। कहाँ होएगा बा चकोरिया, तू कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान हो गए थे। क्या बात है बच्चों, सब ठीक है ना चकोरिया? बोल, जवाब दे। ये बोलत काहे नहीं है, बोल ना। चकोरिया बिटिया, कुछ बोल ना, कहाँ होएगा बा? बापू हम ठीक है, हमें बस कुछ देर अकेले रहना है। हाँ भैया, आप लोग तनिक बाहर जाओ, चकुरिया को थोड़ी देर अकेले रहेगा। है बैठ, क्या बात है चकुरिया? देख तो हमका बता सकते, हम थोड़ी माई है, कहा हुई कबा बचवा, ऐसे तो चले कहे गई। देखा ना चकोरिया के बाप, कछु बोलत नहीं है। बोल ना बचवा, का हुई गवा? क्या क्या कहाँ कहाँ दौड़ रही है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। टिक टॉक टिक, टिक टॉक टिक, टिक टॉक। ये तू नहीं दौड़ रही है ना, ना ये समय का घोड़ा दौड़ा दौड़ा चला रहा है। तुझे क्या लगता है तू दौड़ेगी तो समय से आगे निकल जाएगी? यार ऐसा कभी होता नहीं। वैसे भी तेरे पास समय कहाँ है, है? ओ 11 तो बज चुके हैं, 12 बजे फैसला कर। सोचना बंद कर दे, कह रहे हैं ना सोचना बंद कर दे, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं सिवाय एक रास्ते। बचाना चाहती है ना उन 7 बच्चों को, है? बचाना चाहती है। तेरा बलिदान ही इस समस्या का समाधान है। एक बात कह देते हैं तुझसे, वो जो 7 बच्चे हैं ना आगे चलकर आजादगंज का भविष्य बन सकते हैं, लेकिन तेरे एक गलत फैसले से वो अतीत की याद भी बन सकते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वारे वारे, क्यों नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे। जाओ चकोरिया, तेरे अब्बा बचाओ।
बच्चों की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है, रो रहे हैं बच्चे, अरे बुला रहे हैं, कौन कौन चकोर दीदी, अरे चकोर दीदी पुकार रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और तू रात को यहाँ ठंडी हवा खाने निकली है, क्या है? आजाद घर का भविष्य तुझे पुकार रहा है, जा कुछ देर के लिए घर पर ठहरी थी, बहुत परेशान थी, फिर चली गई। विवान दीदी ऐसा कब होना ही करत, जरूर कोई ना कोई दुविधा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है विवान, हम जा रहे दीदी को ढूंढने, हम जा। अरे इमली, पर तुम ऐसी हालत में कहाँ ढूंढती फिरोगी उसे, और इतनी रात भी हो चुकी है। तो ठीक है तुम जा, हम नहीं ढूंढ सकते तो तुम जाकर ढूंढो और पूछो दीदी से कि ऐसी कौन सी समस्या आ गई। दीदी की रक्षा करना विवान, हमारा मन बहुत घबरा रहे, हम इस तरीके से सो भी नहीं पाई है, आप जाइए ढूंढे। हमें तो लगा था कि कमल नारायण बदल चुका, अरे ये तो पहले जैसी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रच रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा हमें। चकोर, चकोर, सूरज बाबू, सूरज बाबू, वो यहाँ तो नहीं है, तोका नहीं मिली का? अगर मिली होती तो यहाँ क्यों आते हम ढूंढने के लिए, हमें लगा कि यहाँ पर आई होगी। सूरज बाबू, चकोरिया यहाँ आई थी मगर मगर न जाने कहाँ चली गई, हमका लगा कि वो हवेली चली गई, वहाँ नहीं है का? यहाँ आई थी। परवाह नहीं है, हमारे प्यार की कोई इज्जत नहीं है? चलो हमारी कोई परवाह नहीं है, हमारे प्यार की कोई इज्जत नहीं है, कम से कम आज के दिन का आदर तो कर लेती, इस पूजा का आदर कर लेती, वो लोग जो हमें आशीर्वाद देने आए थे उनका आदर कर लेती। अगर तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं, ना पूजा की, ना सगाई की, ना हमारी, आज के दिन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और आज का दिन हमारे जीवन का शुभारंभ था और देखो कैसा हुआ है। कहां गई थी, बोलो जवाब। मम्मी देखिए क्या कह रही है, कह रही है हमसे शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि हम कमल नारायण के बेटे। समझाई ना इसे, क्या ये कहो ही कमल, तो को तू काहे ऐसी बातें कर रहे थे, क्या हुआ चकोर, आज शाम तक तो सब ठीक था, बोलो बेटा क्या हुआ? हमें जो भी कहना था हम सूरज को बोल चुके, इसने शगुन के कंगन भी वापस करने की बात की। क्या वो कंगन तुम्हें सूरज ने नहीं हमने दिए थे बेटा, पर वो कंगन हमारे तुम्हारे बीच जो रिश्ता बना था उसकी निशानी है, हम तुम्हें दिल से अपनी बहू मान चुके, मानो या ना मानो। माफ कीजिए तेजस्वी, पर जो फैसला हम ले चुके हैं